अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कितनी बीवियों को एक वक्त में टैकल कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पे आपका जवाब होगा एक, क्योंकि दोस्तों एक बीवी ही काफी होती है। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि किसी शख्स ने 3 शादियां कर रखी हैं या 4 कर रखी हैं इस्लामी रूह से, तो आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, इस बंदे की हिम्मत को तो दाद है ही। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी परेशान होकर सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा क्या करता है कि 4 बीवियां रख सके। लेकिन दोस्तों आपके तो छक्के ही छूट जाएंगे जब आपको ये बताया जाए कि आपके पड़ोसी देश भारत के अंदर एक ऐसा सूबा मौजूद है जिसके अंदर एक इंसान की फैमिली में 39 यानी 39 बीवियां हैं। है ना दोस्तों, हैरान कुन। दोस्तों इस शख्स का नाम है जू और इसने 39 औरतों के साथ शादी कर रखी है। दोस्तों इसने पहली औरत के साथ शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में की और तब से अब तक ये भाई साहब रुके नहीं और इन्होंने लगातार बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड कायम करने की ठान ली। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथे के बाद पांचवी और यू करते करते इन्होंने 39 बीवियों से शादी रचा ली। फिर उसके बाद इनके बच्चे और इनके पटपोतरे यानी बच्चों के बच्चे भी होना शुरू हो गए और भाई साहब की उम्र इस वक्त 72 साल है और इनकी 39 बीवियां मिलाकर 40 लोग ये बनते हैं और बाकी 153 तादाद जो है वो इनके बच्चों यानी बेटे और बेटियों और आगे उनके बच्चों की मिलाकर है। दोस्तों ये 193 लोगों का खानदान है जो कि एक गुलाबी रंग के महल के अंदर रहता है जो कि जू कासल यानी कि जू के महल के नाम से पूरे इलाके में मशहूर है। आप इनके घर अगर कोई डाक भेजना चाहें तो वो डाक वाला सीधा इनके घर पहुंचेगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ बड़ी हैरानकुन बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर टनों खाना पकता है और ये सारे का सारा सिर्फ अपने घर के अंदर ही मुकम्मल हो जाता है। और घर के अंदर जब भी कभी शादी होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी हुल्लड़बाजी होती होगी। बाकी आप जरा इस वीडियो क्लिप में कुछ देखिए और हमें दीजिए इजाजत। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।